निपॉन एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर हैं और इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इतना बड़ा सेक्टर है लेंडर्स का। सबसे पहले बात करते हैं जो थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आना शुरू हैं लेंडर्स के, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बंधन हो, फेडरल हो, HDFC बैंक का रूरल बिजनेस अच्छा किया, M&M फाइनेंस भी बोल रहे हैं कि उनका कलेक्शंस इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या ये अर्ली ट्रेंड्स दिखाते हैं कि इस सेक्टर में क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी अब काफ़ी अच्छी तरीके से और ज़्यादा? जैसे कि आपने कहा, नॉट ओनली अर्ली ट्रेंड्स इस क्वार्टर के, बट इवन लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, तो अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करें तो दो तीन फैक्टर काफी क्लियर नजर आते हैं। वन, इंडिया जो कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा था राइट फ्रॉम 2016 to 2020, इट सीम्स वेरी क्लियर नाउ कि वो कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही है सेक्टर में। दैट इज वन। Second, the RBI data that is coming and the updates for the third quarter जो आए हैं, दोनों को देख के लग रहा है कि growth might be coming back. There are some initial signs that growth is coming back in the sector. And one very important thing जिसका कि investors को काफी fear था कि COVID second wave से banking sector को कोई नुकसान तो नहीं होगा, that also नाउ काफी क्लियर हो गया है कि कोविड सेकेंड वेव से बैंकिंग बैलेंस शीट्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इन द सिस्टम। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग दैट इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर इज ग्रोथ टू कम बैक। सो इफ ग्रोथ कम्स बैक, जैसा कि लग रहा है इस क्वार्टर अपडेट से, देन द सेक्टर इज पॉइज्ड क्वाइट वेल फॉर नेक्स्ट 2-3 years, वी वुड से। राइट, मैंने अगर एक बात बताइए कि आपने लास्ट वन मंथ में जो कमेंट्री आई है, बहुत सारे लार्ज बैंक्स ने, ICICI बैंक ने और दूसरों ने भी कमेंट्री शेयर की है अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेके। SBI भी अगर आप देखिए तो कितना बड़ा उन्होंने डिजिटल बिजनेस बना दिया अपना योनो को लेके, एक तरफ ये। दूसरी तरफ जो फिनटेक्स हैं जो लेंडिंग का काम कर रही हैं और वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले जाएंगी बैंक से, ट्रेडिशनल बैंक से, ये मिथ कुछ हद तक बस्ट होती नज़र आ रही है क्योंकि उनके पास बैलेंस शीट साइज नहीं है। उनके पास बाज़ार में नॉइज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, बट रियल बैलेंस शीट साइज लेंड करने के लिए उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन PSU बैंक से करना ही पड़ता है। बाज़ार धीरे धीरे ये बात समझ रहा है कि उनको डिस्प्लेस करना लार्ज बैंक्स को इतना ईजी नहीं होगा फिनटेक्स की दुनिया से। आप कैसे एनालाइज करते हैं फिनटेक का थ्रेट या ट्रेडिशनल बैंक्स का खुद ही अपना टेक्नोलॉजी के को अपग्रेड कर लेना इस पूरे सब्जेक्ट को? सो जैसे कि आपने कहा, टेक्नोलॉजी एक मेजर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बन गया है फॉर बैंक्स, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स आर अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, और ये ट्रेंड लास्ट 1-2 साल से चल रहा है। बिकॉज ग्लोबली फिनटेक हैज टेकन सम मार्केट शेयर अवे फ्रॉम बैंक्स, स्पेशली इन सम प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स। But when it comes to India, हमको लगता है कि Indian banks have already seen what has happened globally. Indian banks are capital rich, and their balance sheets are quite well balanced today, and therefore they are ready for this challenge from fintechs. In our view, fintech and banks both will coexist together. There will be partnerships. There will be some movement away of things like fees. Payments, etc. from banks to fintech. But on a broader level, अगर आप देखें तो fintechs are a very small part of the system today. And all the projections from analysts, from various agencies, it seems like अगले 4-5 साल तक fintechs are going to be a small part of the system. And as I said earlier, banks have the capital. Banks have been investing heavily in technology because technology would differentiate banking to a lot extent. In the coming to next 4-5 years, and technology will play a very important part. So therefore, as I said, humko lagta hai ki banks and fintech both coexist karenge, and there would be partnerships between banks and fintechs. But would it really impact banks on a systemic level? Can it derail their valuations? Our answer is it's a very, very low probability that banks get derailed because of fintechs in India. विनय, बहुत शुक्रिया पहले तो इटिनॉस देश को समय देने के लिए।
अभी एक आरबीएल वाला मैटर फिर से हुआ है। अगर आप पिछले 1.5 से 2 साल में देखें तो कम से कम 3-4 बैंक ऐसे निकल के आ चुके हैं। लक्ष्मी विलास बैंक उसमें से एक था, आरबीएल बैंक एक आया है, इससे पहले एक दो बैंक्स और आ चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला मैटर तो उठता ही है। ये 2-3 बैंक्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? एयू स्मॉल, बंधन, आरबीएल, जहाँ पे बैलेंस शीट्स को बहुत अच्छे से नहीं माना जाता, वो उनकी ये है कि उनके जो असेट्स हैं, उनका जो क्रेडिट्स है जो उन्होंने ऑफ टेक किया हुआ है, थोड़ा रिस्की है। तो इन बैंक्स को आप कैसे रेट करते हैं? क्योंकि मैं आपका पोर्टफोलियो चेक कर रहा था, आपकी तो मेजोरिटी स्टेक आईसीआईसीआई के अंदर ही है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इंडिविजुअल कंपनीज पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सिस्टमिक लेवल पे देखें तो आई डोंट सी देयर इज अ बिग रिस्क टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अगर आप पुराने कोई भी क्राइसिस देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकिंग क्राइसिस हैपेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेरी हाई ग्रोथ, वेयर एज लास्ट 4-5 साल से इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज नॉट सीन ग्रोथ बियॉन्ड से सिंगल हाई सिंगल डिजिट्स और लो डबल डिजिट्स। सो देयरफॉर चांसेस ऑफ अ सिस्टमिक क्राइसिस आर वेरी वेरी लो। सिमिलरली, अगर जैसे कि मैंने पहले कहा, 2015 to 20 इंडिया एनीवे एक कॉर्पोरेट एनपीएल क्राइसिस से सफर कर रहा था। वो कॉर्पोरेट एनपीएल क्राइसिस जस्ट ओवर हुआ है रिटेल में, बिकॉज ऑफ सिबिल एंड द काइंड ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल टू ऑल द बैंक्स एंड ऑल द फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ द चांसेस ऑफ अ क्राइसिस इन रिटेल इज प्रोबेबली वेरी लो। अगर कोविड को भी देखें, कोविड में जो सेगमेंट सफर हुए हैं वो जनरली या तो बॉटम ऑफ पिरामिड है या फिर सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड अ लिटिल बिट ऑफ एमएसएमई एसएमई एंड दीज सेगमेंट्स आल्सो, व्हाइल बैंक्स आर अ लेंडर, बैंक्स आर नॉट बिग पार्ट ऑफ लेंडिंग टू दीज सेगमेंट्स। तो ओवरऑल आवर व्यू इज चांसेस ऑफ एनी सिस्टमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस इज क्वाइट लो। हाँ, इंडिविजुअल बैंक्स बैलेंस शीट पे ऑब्वियसली देर वुड ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स, बट इफ यू लुक एट इवन मोस्ट ऑफ द स्मॉल बैंक्स, व्हाइल लार्ज बैंक्स हैव बीन डूइंग मच बेटर एंड लार्ज बैंक्स आर गेनिंग मार्केट शेयर बोथ इन एसेट्स एंड डिपॉजिट, अगर आप देखें बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुआ है, इवन स्मॉल बैंक्स ने अपना बैलेंस शीट इंप्रूव किया है लास्ट 3-4 साल से। देयर डिपॉजिट्स हैव बिकम मोर ग्रैनुलर, द परसेंटेज ऑफ रिटेल डिपॉजिट्स हैज इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द रिटेल बैंक्स, मोस्ट ऑफ द स्मॉल बैंक्स, सॉरी। देयरफॉर इवन इन स्मॉल बैंक्स आई थिंक सिचुएशन टुडे इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज 3-4 इयर्स बैक। विनय, हमने देखा कि जो पार्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है वो है रिटेल पार्ट, क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट्स अभी डीलेवरिंग मोड में थे लास्ट 5-7 सालों में। इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डीलेवरिंग स्टार्ट की थी और बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, और हमने देखा कि एक अवर्जन सा हो गया था लार्ज कॉर्पोरेट्स को डेट वर्ड से। सब हेडलाइंस बनाते थे कि एक्स वाई जेड कंपनी डेट फ्री होना चाहती है आए दिन। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस हिसाब से बॉयंट एरिया था आपका रिटेल क्रेडिट, वैसे ही अब कैपेक्स को फ्यूल करने के लिए, कैपेक्स को फंड करने के लिए कॉर्पोरेट्स भी रीलेवरिंग का साइकिल शायद स्टार्ट हो सकता है। आपको ऐसा लगता है क्या? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप जब कॉर्पोरेट से बात करते हैं या आप अपने बैंक से बात करते हैं? क्या साइंस आ रही है, क्या इंक्वायरीज आ रही है? तो जैसा कि आपने कहा, इनिशियल साइंस आर देयर दैट कॉर्पोरेटली रीलेवरेजिंग वुड स्टार्ट इन सम टाइम। लास्ट 4-5 साल से इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव डीलेवरेज्ड अ लॉट। अगर आप देखें, आज जो बीएसई 500 का डेट टू इक्विटी इज प्रोबब्ली द लोएस्ट इन लास्ट 7-8 इयर्स, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस दीज कॉर्पोरेट्स हैव टू स्टार्ट लेवरेजिंग। आई थिंक वर्ल्ड में जब ग्रोथ वापस आता है, द कॉन्फिडेंस टू इंक्रीज योर बैलेंस शीट विल इंक्रीज, द कॉन्फिडेंस टू put up new projects, put up capex will increase. And therefore, now that inflation is coming back, growth has come back after the COVID crisis, probability of corporates re-leveraging is increasing every quarter in our opinion. And we believe that in the next 3 or 4 quarters, you will see signs of corporate loan growth happening again. ऑल्सो एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि लास्ट 4-5 साल से काफी डिसइंटरमीडिएशन हुआ है फ्रॉम जस्ट बैंक लोन्स टू बॉन्ड्स टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड देयरफॉर वन नीड्स टू लुक एट टोटल कॉर्पोरेट फाइनेंस ग्रोथ एंड नॉट जस्ट द कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बट हैविंग सेड दैट, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ कमिंग बैक आफ्टर कोविड, बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम्स एंड द पुश फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग,
and the infrastructure impetus that has been going on for quite some time, if you combine all of these factors together, there are good signs now that corporate loan growth could come back in the next few quarters. विनय, अगर बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज देखा जाए तो आपको वैल्यूएशन कहाँ पे ज़्यादा अभी भी अच्छी दिखती है कि जहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को टिपिकली अपने पोर्टफोलियो में जगह ज़्यादा जगह देनी चाहिए, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज, ऑल दो दोनों का काम एक जैसा ही है? देखिए, यहाँ पर आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा. इसका एक आंसर देना तो बहुत ही मुश्किल है, बट आई वुड से लार्ज बैंक्स वैल्यूएशंस लुक वेरी रीजनेबल. साइकिल हैज टर्न, साइकिल लुक्स फेवरेबल फॉर द मीडियम टर्म, एंड देयरफॉर आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज लार्ज बैंक्स, व्हिच इंक्लूड्स बोथ लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज सम ऑफ द लार्ज पीएसयू बैंक्स. वी आर पॉजिटिव ऑन बोथ द सेगमेंट्स. जहां तक एनबीएफसी की बात है, हाउसिंग सेगमेंट इज स्टार्टिंग टू लुक प्रॉमिसिंग अगेन. इट लुक्स लाइक रियल स्टेट इज एंटरिंग इन टू अ पॉजिटिव साइकिल आफ्टर 8-10 ईयर्स इन इंडिया. वॉल्यूम्स हैव ऑलरेडी पिक्ड अप इन CY20 एज नंबर्स हैव शोन इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. रियल स्टेट ऐसा सेगमेंट है जो एक बार साइकिल टर्न होता है तो एटलीस्ट 3-4 ईयर्स साइकिल कुड लास्ट, एंड देयरफॉर द हाउसिंग लोन सेगमेंट ऑल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग. And auto loans have not grown for quite some time now. Two-wheeler, four-wheeler, both have been struggling for some time. At some point of time, जब ये COVID crisis का impact खत्म होता है, we expect auto segment also to bounce back quite smartly. And therefore, auto loan companies also look interesting to our in our mind. जो सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वो है माइक्रो फाइनेंस एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहाँ पे कोविड ने काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है वो लोगों की बैलेंस शीट पर, हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर. बट अब लगता है आफ्टर द कोविड क्राइसिस एंड्स, दैट सेगमेंट कैन ऑल्सो बाउंस बैक इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. सो द अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट, वेदर इट्स बैंक्स और एनबीएफसीज. बट वन हैज टू लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द individual companies, one has to look at the balance sheet and be selective in almost in approach. Jaise ki maine pehle kaha, our first preference is large private sector banks and large PSU banks. Right, insurance ke business pe aapka kya view ban raha hai Vinay? Insurance thoda underperform sa kiya, aapko lagta hai case ban raha hai uske reversal ka? ऑन ग्राउंड बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो भी फाइनेंशियल्स का एक लार्ज पार्ट है? सी, जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, इंश्योरेंस इज अ वेरी स्ट्रक्चरल सॉर्ट ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अभी भी पेनिट्रेशन लॉट ऑफ सेगमेंट्स में काफी लो है, एंड देयरफॉर ग्रोथ कैन बी डबल डिजिट्स इन दैट इन दोस सेगमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. सो इंश्योरेंस इज लेस साइक्लिकल देन योर टिपिकल लेंडिंग बिजनेस. इसी वजह से जब साइक्लिकल बिजनेस रिबाउंड करते हैं, प्रॉब्ली इंश्योरेंस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है. बट ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, इंश्योरेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द अंडर पेनिट्रेशन. कोविड एक्चुअली हैज गिवन इम्पेटस टू इंश्योरेंस बिकॉज पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. देयरफॉर वी बिलीव इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट टू लुक एट. लेकिन यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रक्चरल बिजनेस. इट कांट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एंड इट वॉन्ट रियली डी एक्सेलरेट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट व्हेन टाइम्स आर बैड. इट्स अ मोर स्ट्रक्चरल सॉर्ट ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड ऑल्सो बी अलाइंड लाइक दैट. लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो करेक्टेड मीनिंगफुली. इट्स नॉट करेक्टेड बट इट हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट मीनिंगफुली एंड देयरफॉर वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. विनय, एक और चीज़ है कि बार बार जब एनालिसिस करते हैं या फिर बातचीत भी करते हैं, उसमें यह है कि अभी कॉरपोरेट की तरफ से, इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से डिमांड उतनी पुश नहीं है जितना रिटेलिंग से तरफ से हुई है. जैसे कि हाउसिंग में हमने देखा कि रिटेल्स चला है, बट अभी कॉरपोरेट लेंडिंग फुल फ्लैश तरीके से शुरू नहीं हुआ, जैसे कोविड के हम फेज से निकल रहे हैं. तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ आएगी तो पर्टिकुलरली किस इंडस्ट्री से ज़्यादा आ सकती है? अगर कैपेक्स होना है तो उनको पैसा तो चाहिए, और पैसा लेंडर से मिलेगा, तो कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे कैपेक्स की ग्रोथ आप बहुत अच्छी देखेंगे इस साल के अंदर, और वो लेंडर्स के पास जाएगा पैसे के लिए? देखिए, कॉर्पोरेट लेंडिंग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है बिकॉज
last 3-4 months, as I said, corporates were in the process of deleveraging their balance sheet. So from deleveraging to releveraging, it would take some amount of time. You will first see capex announcements happening. You will first see sanctions taking place from banking system. After some time, disbursements will start taking place, and that's when you will see it actually coming and coming in the corporate loan number growth numbers. Jahan tak industries ka sawal hai, metals obviously look a prime candidate for capex, given commodity prices are quite strong for some time. Similarly, the push for renewables, green energy, and that is one segment that looks fairly interesting, and jahan pe capex kafi strong hona chahiye in the next few years. The push for manufacturing by government, obviously, most of these segments do not require huge, big projects, but if you combine all of the small things happening in manufacturing, whether it's EV, whether it's auto, whether it's auto components, pharma, all the support that government has given in terms of PLI, we think that you should see some improvement in balance sheets and corporate loan growth there. And finally, we believe that a combination of all of this combined with infrastructure, that is what will take the corporate loan growth higher. But it will take a few quarters for that to really come up in numbers. Right. Vinay, asset management companies ke upar aapka kya view hai is space ke bare mein as a financials? इसका रिप्रेजेंटेशन मार्केट में इम्प्रूव होता हुआ चल जा रहा है, लेकिन एक व्यू ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि कंपेरेटिव लैंडस्केप टफ होता जा रहा है. कमीशंस एंड मार्जिन स्ट्रक्चर्स भी अब रीवर्क्ड हो गए हैं, तो वॉल्यूम प्ले इज़ द ओनली वे आउट. देन बुल्स ये बोलेंगे कि टियर 2 टियर 3 में पेनिट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो रहा है, एसेट यू नो एक्विटी कल्चर आ गया पूरे कंट्री में. इस स्पेस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये भी फाइनेंशियल्स का एक बड़ा पार्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे. सो जैसा कि आपने कहा, पेनिट्रेशन में अभी भी बहुत स्कोप है. श्योरली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इक्विटी पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है. नॉट ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट, ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टीयर 2 टीयर 3 पेनिट्रेशन इज क्वाइट लो एंड इट कैन ओनली गो अप इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स. अगर आप कंपेयर करें इंडियन penetration versus GDP versus some of the emerging market peers or some of the developed market peers, India is still quite low in terms of penetration. So therefore, runway काफी लंबा है. For the next 8-10 years, asset management companies can grow quite smartly. Dipal, जैसे कि आपने कहा, this is one segment where competition is increasing, where pressure on margins is always high because of both distribution pressure as well as new segments emerging like passive ETFs as well as some of the fintechs are also targeting this segment. So therefore, competition is going to remain quite high in this segment for some time to come. So on an overall basis, the segment is exciting. However, 3 or 4 quarters back, valuations were not exciting. Some of these companies were trading at almost close to FMCG valuation. Wo valuations ab thoda correct hue hain, lekin compared to say large private sector banks or large public sector banks, we still think valuations are more compelling in banks compared to some of the segments like AMCs or insurance or some of the other financial segments. So we would still prefer banks over most other financial segments as of now. विनय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने 1800 देश को समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके इस साल के अंदर. एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा और तरक्की भरा रहे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू.